This is fourth video on interpretation of statutes. अपने previous video lectures में हमने difference between interpretation and construction इस particular topic को start किया था. तो ये video difference between interpretation and construction के ऊपर दूसरा video है. इस video में हम जो डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच, इसे हम और भी डीप में समझेंगे. वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस वीडियो में नए हो तो आप पहले उस वीडियो को देखो, क्योंकि हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपॉन डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, हमने बेसिक डिफरेंस को समझ लिया था और हमने ये जाना कि मोस्ट ऑफ द पीपल ये मानते हैं कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है और इन दोनों ही वर्ड्स को एक दूसरे के स्थान पर यूज में लाया जा सकता है. हमने ये जाना कि एक तरफ जहां इंटरप्रिटेशन में हमारा जो फोकस रहता है वो इस बात पर रहता है कि जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर है उसे डिराइव किया जाए, जो भी वर्ड्स जो भी टेक्स्ट यूज किए गए हैं उन वर्ड्स उन टेक्स्ट के नेचुरल मीनिंग को ड्रॉ किया जाए, ताकि ऑटोमेटिक इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर में भी डिराइव. वहीं जब हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो स्कोप है वो बेसिकली वॉइडर हो जाता है, और कंस्ट्रक्शन में बेसिकली वी आर गोइंग टू ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम द टेक्स्ट फ्रॉम द वर्ड्स यूज इन स्टैट्यूट. कंस्ट्रक्शन में हम स्पिरिट को फाइंड आउट करते हैं, पर्पस को फाइंड आउट करते हैं बिहाइंड द टेक्स्ट और वर्ड्स यूज इन द स्टैट्यूट, राइट. तो अपने उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए और भी डिटेल्ड वे में हम बात करेंगे द फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जाम में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट. देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. द मेन फंक्शन ऑफ द कोर्ट्स इज टू असर्टेन द एक्सप्रेस्ड एंड इंप्लाइड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन एन इनएक्टेड लॉ. तो इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच क्लोज रिलेशनशिप है, और जब हम अमंग द फोर ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी, तो जुडिशरी का जो मेन फंक्शन है या जो प्राइमरी फंक्शन है क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. और इस इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जुडिशरी क्या करती है, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ के एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड मीनिंग को डिराइव करने का काम करती है जुडिशरी. मैक्सवेल के अकॉर्डिंग व्हाट इज स्टैट्यूट, तो हमने समझा स्टैट्यूट इज बेसिकली द विल ऑफ लेजिस्लेचर. हमने इंटरप्रिटेशन के कॉन्सेप्ट को समझा डिटेल में, हमने स्टैट्यूट को समझा, राइट. The main function of court is to interpret the statute according to the intention of legislature. One of the important features of enacted law is that the provisions of law are incorporated in it. Those words through which the law is expressed are regarded as part of statute. तो हमने ये भी समझा कि statute और law में क्या difference है. हालांकि कोई difference नहीं है, हमने ये जाना, और हम इन द प्लेस ऑफ स्टैट्यूट वी कैन रेफर द वर्ड लॉ, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैट्यूट की जगह लॉ वर्ड को रेफर किया गया, ठीक. तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि स्टैट्यूट में जो भी वर्ड्स जो भी टेक्स्ट यूज किए जाते हैं वो सभी वर्ड्स वो सभी टेक्स्ट स्टैट्यूट के ही पार्ट है, उन्हें भी हम स्टैट्यूट में मानेंगे. दोज वर्ड्स हैव सेम लीगल सैंक्टिटी as the meaning of statutory provisions. तो उन words का भी same significance है, same importance है, क्योंकि वही words मिलकर के
स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बनाते हैं, राइट। देयरफॉर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इनएक्टेड प्रोविजंस देयर कंस्ट्रक्शन बिकम नेसेसरी। इसलिए क्योंकि वो जो टेक्स्ट, वो जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसी प्रोविजन को बनाने के लिए, उन वर्ड्स का, उन टेक्स्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, और उन्हीं वर्ड्स, उन्हीं टेक्स्ट को जब हम समअप करते हैं तो हमारे पास स्टैट्यूटरी प्रोविजन डिराइव होता है। तो इसलिए जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन का यूज करके हम उन वर्ड्स, उन टेक्स्ट के लीगल सिग्निफिकेंस को, लीगल मीनिंग को फाइंड आउट कर सके, राइट। सालमन क्या कहते हैं, इसलिए हमने जाना कि एक तरफ जहां इंटरप्रिटेशन में हम जो भी वर्ड्स, जो भी टेक्स्ट यूज किया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, उन वर्ड्स, उन टेक्स्ट के नेचुरल मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वी यूज टू एक्सट्रैक्ट द नेचुरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स टेक्स्ट यूज्ड बाय लेजिस्लेचर, ताकि हम लेजिस्लेचर के इंटेंशन को फाइंड आउट कर सके। लेकिन कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, इन कंस्ट्रक्शन वी यूज टू ड्रॉ द कंक्लूजन, वी यूज टू ड्रॉ द कंक्लूजन, वी यूज टू फाइंड आउट द स्पिरिट ऑफ द वर्ड्स, राइट। सालमन क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन इज दैट प्रोसेस थ्रू विच द कोर्ट ट्राइज टू फाइंड आउट द एस्टेब्लिश्ड मीनिंग इन अकॉर्डिंग विथ एक्सप्रेस्ड इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इन एन ऑथोरिटेटिव मैनर। तो सालमन कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन में बेसिकली जो अथॉरिटीज हैं, यानी जो जुडिशियल बॉडीज हैं, जैसे जजेस, एडवोकेट्स, लॉ एक्सपर्ट्स, वो बेसिकली क्या करते हैं, लेजिस्लेचर के इंटेंशन को ड्रॉ करते हैं। ऑन द अदर हैंड, कंस्ट्रक्शन इंडिकेट्स सीकिंग ऑफ कंक्लूजंस, ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ स्टैट्यूट बाय गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स यूज्ड एंड समटाइम्स बाय फिलिंग अप द गैप्स लेफ्ट बाय ड्राफ्ट्समैन। लेकिन कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कंक्लूजंस को ड्रॉ करते हैं, स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट और उसके पर्पस को फाइंड आउट करते हैं कि उस स्टैट्यूट को लाने के पीछे का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, और हम जो भी वर्ड यूज किए गए हैं केवल और केवल उनके नेचुरल मीनिंग तक ही अपने आप को लिमिट नहीं रखते हैं, बट वी गो बियॉन्ड द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट। और कभी कभी ह्यूमन एरर के कारण अगर कुछ वर्ड्स बच जाते हैं या कुछ वर्ड्स मिस हो जाते हैं बाय द लॉ मेकर्स और बाय द ड्राफ्टमैन, तो उन वर्ड्स को भी हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ दैट स्टैट्यूट, हम खुद से उस वर्ड को समझ लेते हैं कि जो ड्राफ्टमैन है, जो लॉ मेकर है, वो संभवतः इसी वर्ड का यूज करना चाहता होगा। बट दिस इज वेरी रेयर एंड इज ट्रीटेड एज जुडिशियल क्रिएटिविटी और लॉ मेकिंग एंड इज परमिसिबल वेयर पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल डिमांड्स इज इंपरेटिव एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैट्यूट सो प्रिस्क्राइब इवन इफ इम्प्लाइडली। लेकिन ये जो पूरा वर्क है कंस्ट्रक्शन का, इसे हम जुडिशियल क्रिएटिविटी कहते हैं या इसे हम लॉ मेकिंग कहते हैं, और अपने आप में ये बहुत रेयर है। और कंस्ट्रक्शन का यूज हम तब करते हैं जब सोसाइटी डिमांड करे या इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई चीज हो, राइट। अभी हम इसे जब आगे समझेंगे तो सभी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। तो कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम क्या है, कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है जुडिशियल क्रिएटिविटी और लॉ मेकिंग, एंड दिस इज वेरी रेयर, दिस इज वेरी रेयर। और कब होता है, व्हेन देयर इज क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, राइट। प्रोफेसर पूरे स्टेटिंग द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन सेज दैट, तो प्रोफेसर पूरे को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी जाना
हमने उनके व्यू पॉइंट को देखा। तो अब प्रोफेसर पुले कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच के डिफरेंस को पॉइंट आउट करते हैं। आइए उनके वर्ड्स में हम इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। प्रोफेसर कूले इन इंटरप्रिटेशन द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन स्टैट्यूट इज डिस्कवर्ड whereas in construction conclusion is made relating to the subject by going beyond the expression of original text of an act. तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही है कि इंटरप्रिटेशन में जो जुडिशरी है या जो बॉडी है जो इंटरप्रिटेशन का काम करती है वो अपने आप को इसी बात तक स्ट्रिक्ट रखती है कि जो भी वर्ड्स जो भी टेक्स्ट यूज किया गया है स्टैट्यूट में हम उन वर्ड्स उन टेक्स्ट के नेचुरल मीनिंग को ही डिराइव करें ताकि इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर कैन बी इजिली डिराइव आउट राइट। लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमारा फोकस क्या होता है कंक्लूजन को विथड्रॉ करना होता है ताकि हम उस स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट पर्पस को फाइंड आउट कर सकें फिर चाहे हमें उस टेक्स्ट उस वर्ड के नेचुरल मीनिंग के बियॉन्ड जाना क्यों ना पड़ जाए राइट। दूसरा बाय मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अटेम्प्ट इज मेड टू रिमूव द एम्बिग्यूटी। तो इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जो एम्बिग्यूटी है प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने का ये अटेम्प्ट है क्या इंटरप्रिटेशन बाय इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी इज सॉल्व। व्हाट इज ambiguity? It is basically possibility of being understood in more than one ways. जब कभी भी आप किसी चीज को एक से ज्यादा पॉसिबल वे में समझ सकते हो तो there is question of ambiguity. Right? तो उस ambiguity के problem को solve interpretation के माध्यम से किया जाता है by finding out the exact, the natural meaning of the words, the text. Or doubts of language or words used in statute and to make them discernible in order to find out their definite meaning. But in construction, the law is deduced on the basis of external aids by going beyond the words used in an act or statute. Right. लेकिन construction में basically हम उन words, उन text के meaning के beyond जाते हैं और हम external tools एक्सटर्नल एड्स का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट दी कंक्लूजन राइट। तीसरा इन कंस्ट्रक्शन टू फाइंड आउट दी कंक्लूजंस और ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ स्टैट्यूट्स द गैप्स लेफ्ट और इल कंसीव्ड बाय ड्राफ्ट्समैन आर फुलफिल्ड प्रोवाइडेड द सोशल एंड्स और पब्लिक इंटरेस्ट इज चैलेंजिंग नीड्स ऑफ दी सोसाइटी। तो जब कभी भी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और व्हेनेवर देयर इज नीड ऑफ दी सोसाइटी तो कंस्ट्रक्शन के माध्यम से जो जुडिशरी है वो बेसिकली क्या करती है ऐसे वर्ड्स जो रॉन्गफुली स्टैट्यूट में ला दिए गए हैं या कोई वर्ड जो छूट गया है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक उस गैप को फिल किया जाता है कंस्ट्रक्शन के माध्यम से यानी अपने तरफ से एडिशन सब्ट्रैक्शन जुडिशरी कर सकती है कंस्ट्रक्शन में व्हेनेवर देयर इज डिमांड फ्रॉम द पब्लिक और व्हेनेवर देयर इज चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। लेकिन इंटरप्रिटेशन में देयर इज नो चांस ऑफ अमेंडमेंट राइट। कंस्ट्रक्शन इन मॉडर्न टाइम्स इज मोर रिलेटेड विद जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल क्रिएटिविटी और जुडिशियल लॉ मेकिंग वेयर एज इंटरप्रिटेशन कन्फाइंड इटसेल्फ इन सीकिंग द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर थ्रू द वर्ड्स यूज्ड। तो मॉडर्न टाइम्स में कंस्ट्रक्शन क्या है इट इज बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म इट इज जुडिशियल क्रिएटिविटी जुडिशियल लॉ मेकिंग। वही इंटरप्रिटेशन क्या है इट इज नथिंग बट सीकिंग द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर राइट। थ्रू कंस्ट्रक्शन द सेम वर्ड्स इज गिवन अ वाइडर मीनिंग टू कोप विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी।
कंस्ट्रक्शन के माध्यम से सेम वर्ड के मीनिंग को हम और भी ज्यादा वाइडर कर सकते हैं, ताकि सोसाइटी के नीड्स को हम ध्यान में रखें और टू कोप विथ द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड लाइफ यूज इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन द मीनिंग टू कंटेन द फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेशन, फूड, एजुकेशन एंड मेडिसिन टूगेदर विथ गुड एनवायरमेंट going beyond the protection of physical body of a person, but in strict interpretation it is not possible. So when we talk about what article 21 of the constitution kya kehta hai, right to life and personal liberty, to construction mein ya construction ke help se judiciary time to time आर्टिकल 21 के स्कोप को वॉइडर करते रही है. आप देखिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में किसी इंडिविजुअल के केवल फिजिकल प्रोटेक्शन की बात नहीं की जाती है, बल्कि उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाता है. और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है, आप सर्च कर सकते हो, वो जजमेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जो पराली जलाया जाता है खेत काटने के बाद, जो रेजिडुअल बच जाता है, जो पराली जलाया जाता है, ये बेसिकली लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है, क्योंकि उससे जो गैसेस निकलते हैं उससे लोगों के हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है. तो आपका ये एक्ट पराली जलाना भी क्या है, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है. ठीक है, तो यानी कंस्ट्रक्शन के माध्यम से आर्टिकल 21 विच इज बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके स्कोप को जुडिशरी क्या करती है, टाइम टू टाइम वॉइडर करते रही थी. और इसमें ना केवल अकोमोडेशन है, फूड है, एजुकेशन है, मेडिसिन है, इसके साथ साथ गुड एनवायरमेंट, विच मीन्स गोइंग बियॉन्ड द फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी. हम किसी व्यक्ति के केवल फिजिकल प्रोटेक्शन की बात नहीं करते हैं अंडर आर्टिकल 21, बल्कि हम उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं. तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म, लॉ मेकिंग प्रोसेस. तो कंस्ट्रक्शन के माध्यम से जो वर्ड्स यूज किए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा स्टैट्यूट में, लॉ में, उनके मीनिंग के बियॉन्ड हम जाते हैं, राइट. लेकिन इंटरप्रिटेशन में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी गेट स्ट्रिक्टेड टू द ओनली एंड ओनली द नेचुरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज इन द स्टैट्यूट, राइट. तो हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें, अगर हम अब तक के डिस्कशन को समअप करें, हमने दो क्लासेस में केवल और केवल इसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे YouTube पर इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को. तो अगर मेरे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट. तो चलिए अपने डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स ट्रीट बोथ द वर्ड्स इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन एज सिनोनिम्स एंड यूज देम इंटरचेंजेबली एंड रिगार्ड डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स एज ओनली एकेडमिक्स. तो ये जो डिफरेंस हम समझ रहे हैं, ये केवल और केवल रेस्ट्रिक्टेड है इन एकेडमिक डिस्कशंस ओनली. केवल लॉ कॉलेजेस में इन दोनों वर्ड्स के बीच के डिफरेंस को समझाया जाता है, लेकिन रियलिटी प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द पीपल इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पर यूज में लाते हैं, एंड दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. तो सम अप, वी कैन से दैट इंटरप्रिटेशन इज एन आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ इनएक्टमेंट by giving the words their natural and ordinary meaning. On the other hand, construction means drawing conclusion on the basis of true spirit of enactment, even though the same does not appear if the words used in enactment are given their natural meaning. Right? By construction, the object and purpose of statute is determined, and abuses which was aimed to be rectified is rectified. So, construction mein hum kya karte hain? Rectification ka kaam karte hain. और स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट और उसके पर्पस को, कंक्लूजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट जजेस नॉट ओनली इंटरप्रेट द स्टैट्यूट बट दे मेक द लॉ. तो कंस्ट्रक्शन में
केवल इंटरप्रिटेशन का ही काम नहीं होता है बल्कि जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज करके जो जजेस हैं वो लॉ बनाने की कोशिश करते हैं। अंडर इंटरप्रिटेशन ओनली द वर्ड्स चूज देयर इन आर गिवन द एप्रोप्रिएट मीनिंग टू डिटरमाइन द इंटेंट ऑफ स्टैट्यूट। इन सिंपल वर्ड्स इट इज सबमिटेड दैट फॉर रीचिंग अ डेफिनेट मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन इन इंटरप्रिटेशन द कोर्ट कन्फाइन देमसेल्फ विदिन द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यूज्ड इन एनएक्टमेंट वॉइड इन कंस्ट्रक्शन वेयर द एम्बिग्यूटी प्रिवेल्स। तो वही कंस्ट्रक्शन का यूज हम तब करेंगे जब किसी एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं और लोग उसके डिफरेंट डिफरेंट लोग का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो उस पर्टिकुलर वर्ड को लेकर के, तो उस एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। द स्पिरिट ऑफ इनएक्टमेंट एंड अदर एक्सट्रॉनियस एक्ट्स आर ऑल्सो टच्ड टू डिड्यूस द मीनिंग सो दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व एज इंटेंडेड बाय लेजिस्लेचर। तो कंस्ट्रक्शन इट इज वेरी रेयर और जब कभी भी चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी हो या इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक बात आए और देयर इज एम्बिग्यूटी तब हम कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे और वैसे हम यानी वैसे जुडिशरी क्या करेगी इंटरप्रिटेशन का काम करेगी। कंस्ट्रक्शन में एक्सटर्नल एड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो भी वर्ड्स जो भी टेक्स्ट यूज किया गया होता है उनके नेचुरल मीनिंग के बियॉन्ड हम जाते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट स्कोप पर्पस और कंक्लूजन ड्रॉ कर सके टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी। लेकिन इंटरप्रिटेशन में हम केवल और केवल उन वर्ड्स के उन टेक्स्ट के नेचुरल मीनिंग तक ही अपने आप को लिमिटेड रखते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पर देखते हैं और केवल थियोरेटिकली ही हम इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को या इन दोनों वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द राइटर आज भी इस पॉइंट पर है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन और इन्हें हम एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पर यूज में लाएंगे। इसलिए जब हमने देखा कि स्विट्जरलैंड क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड कहते हैं कि इट इज वॉट द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन इज एरोनियस। क्या है? एरोनियस है, ये फॉल्टी है, इनअप्रोप्रिएट है, इम्प्रॉपर है, इनसफिशिएंट है। तो देयर इज फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, प्लीज लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।